मम्मी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मम्मी अभी मैंने ये रेसिपी डाली ऑनलाइन, तो मेरे को एक रिक्वेस्ट पहले तो आई थी भुट्टे का कीस, तो अपन ने वो रिकॉर्डिंग कर दी, तो वो बहुत हिट हो रही है, लोगों को बहुत पसंद आ रही है। अब एक अगली रिक्वेस्ट है कि इंदौर की मटर की कचौरी बहुत फेमस है, जो कि अपन अपने घर में मालवा में तो बोलते हैं बटले की कचौरी, मटर को बटला बोलते ना, तो बटला की कचौरी, मटर की कचौरी की आप रेसिपी बता दो। मेरी मेरी तो बहुत फेवरेट है और बहुत कठिन होती, तो मेरे को नहीं लगता कि मैं घर में बनाऊंगा, लेकिन अगर मेरे दोस्त सहेलियों ने बनाई तो मैं उनके घर खाने जाऊंगा। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, खाओ भी सही खिलाओ भी। 1 किलो मटर को मिक्सर में दरदरा पीसना, थोड़ा मोटा मोटा मिक्सर में, तो हल्का सा पानी डालना, तो पिसक आएगी थोड़ी दरदरी। फिर इसको तेल का बघार रखना, उसमें रई जीरा सौंफ डाल के हींग डाल के इस मटेरियल को सेकना। इसको सोंजा बोलते हैं ना आप, सोंजा सोंजा बोलते हैं। सोंजा इसको सेकना, सेकने में टाइम लगेगा। जैसे भुट्टे का कीस आपने बोला था 20-25 मिनट तक सेकना है, वैसा ही ये सीखेगा है ना? वैसा ही ये सीखेगा। इसमें भी हाँ, इसमें भी 1 किलो मटर में 4-5 टीस्पून बेसन डाल दो, आधा सीखने के बाद। अच्छा आधा सीखने। अच्छा टाइट हो जाएगा सीखते सीखते, तो इसकी गोटियां बनने लग जाएगी। कट्ठा होना चाहिए कचौरी के लिए, और इसका ही सोंजा सब्जी जैसा खाना है तो वो ढीला चलेगा, और कचौरी के लिए तो पराठे के लिए फरका थोड़ा होना चाहिए। अच्छा हाँ, मैं वो कर सकता हूँ, अगर मेरे को कचौरी की वो पेशेंस नहीं हो, क्षमता नहीं हो, कम से कम पराठे तो मैं बनाने लग गया हूँ, पराठे के अंदर भरूंगा और पराठे बना दूंगा मटर के, वो भी अच्छा लगता है। वो भी अच्छा लगता है, सोंजा भी कोरा रोटी के साथ खाओ तो वो भी खाओ तो अच्छा लगे। बिल्कुल वो का वही सोंजा, बिल्कुल वही स्वाद का की कचौरी वो बनानी हो, मटर कचौरी बनानी तो ज्यादा मिर्ची ज्यादा नमक ज्यादा, वो तो अपने टेस्ट के ऊपर, वो और कोई बात नहीं, अपने टेस्ट। कचौरी में पराठे में मैदे में नमक आ ही जाता है। अच्छा। सीखने के आखिरी के टाइम सब मसाला डालना, सब अपना। कौन कौन से मसाले? हल्दी, नमक, मिर्ची, लाल गरम मसाला, धनिया पाउडर। धनिया पाउडर पाउडर भी डाल सकते हो, हरा धनिया भी डाल दो, इससे स्वाद आएगा। ठीक है, तो बन गया ये सोंजा तैयार। अब अपन आते हैं कचौरी की तरफ। तो हाँ, सोंजा तैयार, इसको ढीला रखना पड़ता है। तो कचौरी पराठे में कई फरका फरका रखना पड़ता है कि लड्डू बन जाए, तो लड्डू चपटा करके आटे की लोई में रख दूं। तो पराठे तो मैं आटे के बनाते हैं, कचौरी मैदे के बनाती हूँ। तो आटे में तो थोड़ा मोन डलेगा पराठे के लिए, कचौरी में मोन थोड़ा ज्यादा चाहिए। अच्छा, मतलब मुट्ठी बंद मोहन तो नहीं, मुट्ठी बंद से कम। अच्छा ऐसे, तो उसमें इसका कचौरी के लिए आटा गोल गोल करा, रोटी जितना आटा लेना उसको चपटा करा, उसमें ये सोंजे का एक गोली रख दी और उसको फोल्ड करके गोल गोल करके दबा दिया। तो जो जो मैदे को जो उसना, उसमें मोन डलेगा, आपने मोन बोला कि उतना नमक, मोन और नमक बस, और पानी में, पानी में कि दूध में? पानी में, पानी में, पानी। और वो आटा कितना पतला और मोटा, पराठे जितना मोटा कि रोटी जितना पतला ढीला, आटा जो उसलना है कचौरी के लिए, मैदा जो उसलना है कितना कट्टा? पराठे जैसा, पराठे जैसा। हाँ, उसन के भी थोड़ा फटकारना थाली पे। अच्छा, जैसे ऊंचे से फटकारना, जितना सॉफ्ट हो जाए उतना अच्छा। तो मैंने आपको वो बनाने की मशीन दिखाई ना फेंटने वाली, उसमें तो शानदार हो जाएगा, उसमें तो आपको मेहनत ही नहीं करना फटकारने की। मैं तो और 5 मिनट, जितना जितना फटकारो उतना अच्छा है ना। तो बस, तो मेरा तो मेहनत ही नहीं, मेरे तो मेरा पसीना तो जाएगा नहीं, मैं वो मशीन में एक्स्ट्रा मिनट चला दूंगा, 2, 4, 6, 10 मिनट चला दूंगा। तो कचौरी में मोहन ज्यादा चाहिएगा, पराठे में कम चाहिएगा। ठीक है, गोल बना के ऊपर से सब फोल्ड करके ऊपर से निकलेगा थोड़ा आटा, उसको दबा देंगे गोल करके, ज्यादा ज्यादा आटा, तो वो आटे को थोड़ा तिरछा दबाना कि ऊपर से खुले नहीं।
हाँ नहीं तो वो फूट जाती है कचौरी और तेल की हाँ जाती फूट है। जाती, हाँ तो थोड़ा तिरछा फोल्ड करके दबाना और पोले हाथ से इसको ऐसे कर लो, ऐसे अच्छा ऐसे करके, और फिर धीमी आंच पे छोड़ना कलर तेल, धीमी अच्छा धीमी आंच पे। अच्छा आंच, तेज आंच पे नहीं, धीमी धीमी फूलेगी वो, चलाती जाएगी फूलती जाएगी, तेज पे कभी नहीं, तेल एक बार गरम कर लो बस, और आंच अच्छा तेल धीमी कर तेल दो। को हाँ ऊंची आंच पे हाई आंच पे गरम कर लो और फिर सिम कर दो। हाँ आंच पे नहीं, कम ही आंच पे, एक बार गरम हो जाए, मतलब हाँ आंच तेज कर लो, एक बार गरम हो जाए थोड़ा हल्का सा, जिसके बाद कचौरी डाल दो। हाँ जैसे जैसे अपने पकोड़े या किसकी बात हुई थी तो उसमें धुआं उठते पूरी नहीं का नहीं धुआं नहीं उठता नहीं था। नहीं 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 पकौड़े जैसा नहीं, इसकी अच्छा धीमो स्लो स्लो हो गई है, धीमी आंच पे नहीं हो रही, अच्छा तो कचौरियां ऐसी कम आंच पे ही तलाती रहती बहुत देर धीरे तक। धीरे चलाती रहती है, फूलती रहती है, धीरे अच्छा धीरे अच्छा फूलती रहती अच्छा है, ये भजे भजे तो तेज आंच पे होते हैं, कचौरी धीमी आंच पे, अच्छा तो जैसे कितनी कचौरी तेल पी जाती है वो किस कारण पी जाती है ना। ये फूल जाती नहीं, दबाने में हाँ लोहे लेने में कसर हो जाए तो फूल जाती, तो तेल पी जाती है, तो अच्छा उसको भी थोड़ा पानी में मैदा घोल लो और अंगली से चिपका हो जाए तो। हाँ और उससे भी फर्क पड़ता हुआ है कि मैदे का जो आपने लोया बनाया और जो वो करा बेला तो कितना पतला या मोटा है उससे भी फिर कचौरी का वो फर्क पड़ता होगा खाते हाँ समय कि देख, बहुत ज्यादा आटा आ जाए मुंह में। हाँ, देखना पड़ता है, वो अच्छा अपन बनाते बारी समझ पड़े अपने को, हाँ कभी लोया छोटा आ गया तो मटेरियल थोड़ा डाल दो, बड़ा हाँ है तो पूरी गोटी गोटी बना के रख लो, गोटी डाल दो इसी किसी और गोटी, जब तलते हैं कचौरी आप बोल रहे कि धीरे धीरे तलाएगी तो एक साइड में तलाएगी धीरे धीरे आप देखो और बस फिर पलट, बस एक और एक ऐसा नहीं कि बार बार पलटते रहो ऐसा नहीं नहीं। नहीं नहीं बार बार नहीं, अच्छा बस बार एक बार बार नहीं, एक साइड दूसरी बार दूसरी साइड खत्म। तेल के हिसाब से डूबती होने चाहिए, 5-7 कचौरी एक साथ डाल सकते हैं, यूनिक अच्छा एक एक कचौरी तलना है, हाँ तेल में डूबे थी जैसे खेलती रहे, गेंद खेलती कि नहीं पानी में, जैसे हाँ तेल में खेलती रहे, ऐसा तेल हो इतनी गुंजाइश हो तो कचौरी डालो, कितना टाइम डाल लगता है कर कचौरी बनने में जैसे एक कचौरी जब तक आप बोलो धीरे 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 फूलती है। हाँ 15-20 मिनट एक घान में। अच्छा 15 अच्छा इसलिए इसलिए इंदौर में वो लाल बाल्टी कचौरी है कचौरी वाले बोलते हैं अच्छा नया घान उतरा के नहीं बोला अभी आओ साहब 10 मिनट में 15 मिनट में तो नया घान डलता है। बराबर, वो धीरे धीरे फूलती आएगी, धीरे धीरे गेंद अच्छा जैसी अच्छा उछल जाएगी, फूलने और कैसे मालूम पड़ेगा कि बन गई कचौरी वो फूलने से और ऊपर आने से। से कलर हो जाएगा ना, कलर ही आ जाएगा ना, अच्छा पराठे कच्चे और सीखते हैं तो कलर कैसा रहता है, हाँ कभी नहीं भी फूलती है, कोई भरने में कसर रह जाए, मोर में अच्छा नहीं फूल, फूलने का नहीं देखना, इसमें तो कलर देखना, अच्छा कलर अच्छा देखना, और भी कभी मोर कम हो गया तो कड़क हो जाती है, मोर अच्छा तो फिर वो का काटने में से कड़क आएगी। अच्छा मोर मुट्ठी भर से कम चाहिए, मुट्ठी बन से कम हो। हाँ कम चाहिए, तो क्या क्या ध्यान रखने वाली क्या क्या बातें। एक तो मोन वाली बात हो गई आपने बोला और ये ऊपर से बंद करना ऐसा ताकि वो तेल नहीं पिए या वो पानी हाँ लगा लेना ताकि वो अंदर से वो चिपक जाए। और क्या चीज ध्यान रख में रखते हैं कि ज्यादा ज्यादा तेल गर्म नहीं हो जाए तो नहीं तो लाल भम हो जाएगी कचौरी अंदर से कच्ची रह जाएगी बाहर से लाल हो हाँ जाएगी। ये बराबर समझ गया मम्मी ये बात समझ गया ये समझ गया आप बात बात। खूब तो हो गया अब जैसे आप हो गए एक्सपर्ट इतने सालों से बना रहे तो अब आपकी कभी भी कचौरी ऐसी नहीं होती कि अभी भी कितनी बार हो जाता अरे यार आज कचौरी हो ऐसी हो जाता गई। है, कसर रह जाती कभी कभार, सुधारा कर लेगी, एक घान करा मोन की कमी रह गई कभी तो और मोन डाल के कर लेते हैं अच्छा वो ऐसा, तेल आटे आटे में और एक्स्ट्रा मोन डाल दो मोन घी का कि तेल का तेल। तेल 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 अच्छा जिस चीज में तलाती है उसी चीज का मोन अगर वो घी में तलाएगी तो घी का मोन तेल में तलाएगी तो तेल का मोन। मेरे को ऐसा याद आ रहा है अभी बात करते करते जैसे आप दिवाली पे खस्ता बनाते हो तो वो घी में बनाते हो शायद है ना। हाँ, कभी घी में कभी तेल में, दही चलता है, दही हाँ चलता है, शक्कर पारे काहे में बनाते हैं आप तेल में कि घी में।
शक्कर भरे घी में, तो उसका मोन घी में डलता होगा ना, उसके मोन में घी डलता होगा। किसके हाथ की मटर की कचौरी बेस्ट बनती है आपके अपने परिवार में? सबको हाथ की बने, सब मास्टर है अपना। अच्छा, अपने तो आदत है घर में, सबका घर में बने, अच्छा। सब मास्टर है। अब मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि यहाँ इतनी आजकल तो वो छिली हुई मटर फ्रोजन मिलती है ना फ्रिज में, तभी वो भी नहीं कि भाई छीलना पड़ेगी 1 किलो मटर, तो यहाँ तो तैयार है, यहाँ पे वो भुट्टे भी तैयार है, वो कैन में आते हैं या फ्रोजन आते हैं, बस उसको मिक्सर में करो दरदरा और तैयार, तो वो मेहनत चली जाए, खास वही रहेगा कि तलने की एक्सपर्टीज। अरे वाह, चलो आज काफी लंबा टाइम दे दिया आपने, तो हो गई अच्छी, कल हो गई इतना इतना वो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो। चलो भैया आओ, क्या टाइम हो गया तेरे यहाँ? अभी रात की 11:05 हुई है, मतलब आपके यहाँ सोमवार की 12:35 हुई है दोपहर की।